नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी इंटरनेशनल ड्रामा में। सो दोस्तों, आज शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट मैरिज का एपिसोड 3, जिसमें चोंग इयुंग किचन में नींबू का रस निकालते हुए अपने फोन पर अपने दोस्त से बात करती है और उससे पूछती है कि मेरी तबीयत कब तक ऐसे ही खराब रहेगी, क्योंकि मुझे न्यूज एंकरिंग करते समय बहुत परेशानी हो जाती है, और अपने दोस्त को न्यूज स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो युनचो म्योंगी से मिलने के लिए जाता है। म्योंगी जो युनचो को उससे दूर रहने के लिए बोलती है। जो युनचो कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को किस तरीके के खाने से परेशानी हो जाती है। म्योंगी कहती है कि प्रेगनेंसी में औरतों को मछली और सोयाबीन की स्मेल से बहुत दिक्कत हो जाती है, जिसे सुनकर जो युनचो कुछ सोचने लगता है। वहीं चोंग इयुंग अपनी दोस्त से न्यूज स्टेशन पर मिलती है, क्योंकि वह भी उसी न्यूज स्टेशन की दूसरी एंकर है। चोंग इयुंग अपनी दोस्त को बताती है कि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। चोंग की दोस्त कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारा पेट दिखने लगेगा। चा कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं सबको अब्रोड की स्टडीज की कहकर यहाँ से चली जाती हूँ और वहीं पर अपने बच्चे को जन्म दूंगी। चा की दोस्त कहती है कि इस बच्चे का पिता कौन है और तुम ये सब कैसे खत्म करोगी। चा कहती है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और उसकी दोस्त कहती है, मुझे लगता है तुम्हें इस बच्चे को अबोर्ट करा देना चाहिए। तभी चुपचाप वहाँ पर जो युनचो भी आ जाता है। चा की दोस्त धीरे से चा से पूछती है, कहीं जो युनचो ही तुम्हारे बच्चे का पिता नहीं। चा कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो। फिर चा की दोस्त अपनी एंकरिंग के लिए चली जाती है। जो युनचो ने ड्रेसिंग रूम में ही मछली और सोयाबीन लंच के लिए ऑर्डर किया है, जिसकी स्मेल से चा को अनकम्फर्टेबल फील होता है और वह कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी जो युनचो चांग युंग को रोककर मछली को खाने के लिए कहता है, पर चा जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है और जो युनचो को शक हो जाता है कि चांग युंग सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है। तब चांग युंग जब अपने एंकरिंग के लिए जाती है, तब वह जो युनचो चा के पास आता है और उसे धीरे से चा के कान में कहता है कि मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, जिसे सुनकर चा बहुत हैरान हो जाती है। जो युनचो हंसते हुए न्यूज स्टेशन से बाहर चला जाता है। जब चा न्यूज एंकरिंग कर रही थी, तब फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह अपनी लाइनें भूल जाती है, जिसे देखकर न्यूज डायरेक्टर कहते हैं कि तुम इस तरह अपनी लाइंस को नहीं छोड़ सकती। चा अपनी एंकरिंग के बीच में ब्रेक लेकर बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी उल्टियाँ लगती है। फिर चा अपनी कार से घर के लिए जाती है, जहाँ पर पार्क उसे छिपकर देख रहा था। चा फोन करके अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर पार्क को बहुत बुरा लगता है। फिर पार्क देखता है कि कुछ लोग चा की गाड़ी पर कुछ कर रहे हैं। उनके जाने के बाद पार्क गाड़ी के पास आकर देखता है और वह गाड़ी के नीचे देखता है कि उन लोगों ने ट्रैकर लगाया था। पार्क उन लोगों के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागता है और उनमें से एक को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। वह बताता है कि उसे पार्क की माँ ने यहाँ पर भेजा था, जिसे सुनकर पार्क बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चा अपने घर में काम से थककर वहीं सो जाती है और वह सपना देखती है कि वह एक जंगल में है, और तभी एक बच्चा उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे माँ कहता है और वहाँ से दूर जाने लगता है। चा उस बच्चे को रोकने के लिए रोते हुए उसके पीछे भागती है, और तभी चा की नींद खुल जाती है और वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो युनचो ने न्यूज स्टेशन के कुछ लोगों के लिए पार्टी रखी है, और तभी चोंग इयुंग की उसके पास कॉल आती है कि वह जो युनचो से मिलना चाहती है। जो युनचो चा को पार्टी की जगह पर ही आने को कहता है और चा भी वहाँ पहुँच जाती है। चा जो युनचो को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, जिसमें लिखा था कि वह जो युनचो को अपना डबल एंकर बना लेगी अगर वह सबसे यह बात छिपाने में मदद करता है कि चा सच में प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर जो हैरान होकर चा के पास से खड़ा होता है और उसे कहता है, तो तुम सच में प्रेग्नेंट हो। जो युनचो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। फिर चा कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। फिर वह जो युनचो को बिना कपड़े पहनकर नचाती है और उसकी वीडियो बना लेती है, ताकि वह अपनी बात से पलट ना सके। अगले दिन चांग इयुंग प्रेसिडेंट के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अब्रोड में पढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो युनचो मेरा डबल एंकर बन जाए, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। वही पार्क अपनी माँ से मिलने जाता है और उन्हें उनके साथ लंच पर बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए पार्क की माँ भी मान जाती है। पार्क अपनी माँ के साथ लंच पर बैठा था और वह अपनी माँ को कहता है कि आपने पूरी जिंदगी मुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाया है और आज हमारा यह आखिरी खाना है जो हम एक साथ खा रहे हैं।
आप मुझे अब अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर पा की माँ बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन से चोंग यंग और जो यून चो एक साथ न्यूज एंकरिंग करने लगते हैं। ड्रेसिंग रूम में चोंग यंग की दोस्त चो से पूछती है कि तुम जो यून चो के साथ डबल एंकरिंग के लिए क्यों मान गई। चा बताती है कि जो यून चो को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और न्यूज एंकरिंग के दौरान मेरी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे जो यून चो संभाल लेगा। चा की दोस्त कहती है, जो यून चो को पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वह सबको बता देगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। चा बताती है कि इसलिए उसने जो यून चो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। रात के समय जब चा न्यू स्टेशन से घर के लिए निकलती है तो एक आदमी चा के पास आकर उसे कार में बैठने के लिए कहता है। चा देखती है कि कार में पार्क की माँ बैठी थी और वह वहाँ पर बैठ जाती है। पार्क की माँ चा को कहती है कि तुम्हारी माँ रेस्टोरेंट के लिए बहुत मेहनत कर रही है, पर उनके रेस्टोरेंट में कोई भी आदमी नहीं आता है। जिसे सुनकर चा गियुंग उन्हें कहती है, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं या मेरी इन्वेस्टिगेशन करा रही हैं? फिर चा पार्क की माँ को कहती है कि आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ब्रेकअप कर लिया है। फिर वे कहती हैं, अगर पार्क के पिता को पता चल गया कि तुम फिर से पार्क को डेट कर रही हो तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा। दूसरी ओर पार्क रिंग लिए हुए चा का इंतजार कर रहा था। वह चा से पूछता है कि आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई है। चा चुपचाप वह खड़ी रहती है। चा रिंग को देखती है और पार्क को वह रिंग वापस करते हुए से बताती है कि वह बच्चे को अबोर्ट करवा कर आ रही है। जिसे सुनकर पार्क को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। चा पार्क को रोककर उसे रिंग देने लगती है, पर पार्क कहता है, तुम इसे अपना अबोर्शन गिफ्ट समझकर रख लो। और दुखी होकर पार्क अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ म्योंगी भी वहीं पर थी। पार्क दारू की बोतल उठाकर पीने लगता है। पार्क का दोस्त उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। पार्क उसे बोतल की पेमेंट करता है और म्योंगी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वही हम देखते हैं कि चा ने पार्क को झूठ बोला था कि उसने बच्चे को अबोर्ट करवा दिया है। अगले सुबह पार्क के पास चा का भेजा हुआ पार्सल आता है, जिसमें वह देखता है कि चा ने उसके दिए हुए सारे गिफ्ट वापस कर दिए हैं। फिर पार्क उस पार्सल को अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। न्यू स्टेशन पर चा देखती है कि उसका और जो यून चो का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। ड्रेसिंग रूम में चांगी यूंग जो यून चो को कहती है, अगर न्यूज एंकरिंग के दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसे सब कुछ संभालना होगा, जिसके लिए जो भी मान जाता है। पार्क के घर पर चोंग यूंग और जो यून चो की न्यूज को देख रहे थे। पार्क की माँ पार्क सुनियो को कहती है कि तुम पार्क और चा की बुक को पब्लिश मत करो। जिसे सुनकर पार्क के पिता गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, क्या उस बुक को तुम पब्लिश कर रही हो, और उसे पब्लिश को बंद करने के लिए कहता है। न्यूज एंकरिंग के दौरान जब चा की तबीयत खराब होती है तो जो उसे संभाल लेता है। न्यूज खत्म होने पर प्रेसिडेंट सारी टीम को पार्टी पर लेकर जाते हैं। चा जो को रोककर कहती है कि मैं पार्टी पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक करनी होगी और मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो कहता है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, और मजबूरी में चा को भी उनके साथ जाना पड़ता है। जहाँ जो यून चो जानबूझकर चा को ड्रिंक करने के लिए कहता है, चा अपनी समझदारी से उस ड्रिंक को जो को ही पिला देती है, जिसे जो यून चो भी मना नहीं कर पाता। जो यून चो फिर से न्यूज टीम के लोगों को अपनी ओर करके चा को परेशान करने लगता है और न्यूज एंकरिंग के दौरान जानबूझकर उसकी लाइनों को बोलने लगता है। न्यूज खत्म होने पर गुस्सा होकर चा जो यून चो को अपने साथ बाहर आने के लिए कहती है, पर जो यून चो कहता है कि तुम्हें आराम से बात करनी चाहिए क्योंकि सबको नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वहां से चला जाता है। गुस्से के कारण चा के पेट में दर्द हो जाता है। पार्क सुनियो अपने नकली हस्बैंड से मिलकर उसे जो यून चो की जासूसी करने के लिए कहती है। जो यून चो को पता था कि चा अब्रॉड में जाकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है और इसलिए वह स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहती है। फिर वह चा को परेशान करने के लिए प्रेसिडेंट को इस साल अब्रॉड चा के अलावा किसी और को भेजने के लिए कहता है। चा के पास पार्क का मैसेज आता है कि उसे कुछ डिशेज को ट्राई करने के लिए आना होगा। चा ड्रेसिंग रूम में जाकर वहाँ खड़ी म्योंगी को उसकी जगह जाने को कहती है और म्योंगी भी जाने के लिए खुशी खुशी मान जाती है और फोन करके पार्क को बताती है कि पार्क भी म्योंगी को चा की जगह आने के लिए कह देता है। तभी वहाँ जो यून चो आ जाता है और वह चा को बताता है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हम लोग इस वीकेंड उनके साथ ट्रैकिंग के लिए जाएं। चा म्योंगी को बाहर जाने के लिए कहती है और पार्क को कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। जो कहता है कि यह प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चा भी वीकेंड पर सबके साथ ट्रैकिंग के लिए चली जाती है।
जो युन चो चांगी युन को परेशान देखकर बहुत खुश था। फिर प्रेसिडेंट चा को अकेला बैठा देखकर उनके पास जाता है और उसे बताता है कि इस साल चा को अब्रोड नहीं भेज सकते। वह पीछे से मुड़कर देखती है कि जो और कुछ लोग उससे चिढ़ाने के लिए डांस कर रहे हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि म्योंगी चा की जगह पार्क से मिलने जाती है और वह पार्क की फोटो खींच रही थी, तभी वह नदी में गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसे देखकर पार्क उस पर चिल्ला देता है और म्योंगी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाने पर पार्क अपनी गाड़ी लेकर म्योंगी के पीछे जाकर उसे रोकता है और वह कहता है कि तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, तुम्हें इन्हें बदलना चाहिए, और अपनी कार में रखे हुए चा के पार्सल से उसका दिया हुआ चा को गिफ्ट की ड्रेस को म्योंगी को पहनने के लिए दे देता है। म्योंगी उस ड्रेस को पहन लेती है। अगले दिन जब चा न्यू स्टेशन पर म्योंगी से मिलती है तो वह देखती है कि उसने पार्क की उसे गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी हुई है। चा पार्क को वहां से जाता हुआ देखकर उसे गुस्से में देखती है। फिर पार्क समझ जाता है कि उसने म्योंगी को यह ड्रेस देकर गलती कर दी है। चा घर जाकर देखती है कि उसके सभी कपड़े अब उसे टाइट होने लगे हैं। वह खुद से कहती है कि कोरिया में बिना शादी के मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ। वह कार में जाते हुए रोते हुए अपने बच्चे को प्रॉमिस करती है कि वह अपने दम पर इस बच्चे को जन्म देगी। अगले दिन न्यूज एंकरिंग के दौरान जब जो युन चो चांग युंग की लाइन को बोलने की कोशिश करता है, तब चांग युंग अपनी लाइनों के साथ जो युन चो की लाइनें भी बोलने लगती है। जो युन चो चा को कहता है तुम क्या कर रही हो। फिर जो युन चो चांग युंग की पैरों की ओर देखता है जिन पर बहुत सारा खून बह रहा था, जिसे देखकर जो युन चो बहुत डर जाता है और वह चा को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर चांग यन जो युन चो का हाथ पकड़ उसे वहीं बैठा लेती है और अपनी न्यूज की पूरी एंकरिंग करती है। न्यूज खत्म होने पर चांग यून जब खड़े होने की कोशिश करती है तो यह चिल्लाते हुए वहीं पर गिर जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एपिसोड 4 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।